हेलो गाइस, आज हम शीतला देवी अलीबाग चौल में जाने वाले हैं। अलीबाग का एक खूबसूरत और पुरातन मंदिर है जो शीतला देवी नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पे अभी हम सब लोग फैमिली जमा हो चुकी है, यहाँ पे सब लोग हम इकट्ठा हो चुके हैं और यहाँ पे अभी हम निकलने ही वाले हैं, तो चलिए फिर निकलते हैं। अभी हम शीतला देवी के मंदिर की ओर जाने के लिए निकले हैं और सभी फैमिली हमारी यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है। ये आई वगैरह सब निकले यहाँ पे। अभी यहाँ पे अभी हम एक फैमिली फ़ोटो क्लिक करेंगे, तो सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं यहाँ पे। तो फ़ोटो निकालने के बाद अभी हम बाहर जाने के लिए निकले, सब लोग अभी गाड़ी में बैठेंगे और निकलेंगे। अलीबाग का यह खूबसूरत मंदिर जाने से पहले अभी हम गाड़ी चलाने से पहले नारियल फोड़ देते हैं। अलीबाग का ये मंदिर बहुत ही फेमस और पुरातन है और यहाँ पे अलीबाग से 17 किलोमीटर दूर ये मंदिर है। चौल गांव के नज़दीक ये मंदिर बनाया गया है और ये बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पे आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है अगर आप श्रद्धा से वहाँ पे मनोकामना करें। तो यहाँ पे अभी हम चलने लगे, तो अलीबाग से 17 किलोमीटर और हमारे यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर है ये मंदिर। और अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से और ये है JSW का संजीवनी हॉस्पिटल। ये आप फेमस हॉस्पिटल है बहुत, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है। नया हॉस्पिटल बन चुका है, पर कितना भी नया हॉस्पिटल बने पर यहाँ का रास्ता आप देख सकते हैं ना कि बहुत ही धूल और मिट्टी से भरा रहता है हमेशा। अलीबाग जाते वक्त हमेशा ये खूबसूरत धर्मतर का बीच लगता है और बहुत ही अच्छा फील आता है। यहाँ से अलीबाग शुरू होता है और अभी हम कार्लेखिंड में पहुँचे हैं, बहुत ही फेमस ये कार्लेखिंड है। तो अभी हम थोड़ी ही देर में अलीबाग के रास्ते से नागाव के रास्ते की ओर बढ़ चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और खूबसूरत माहौल यहाँ पे बन चुका है। इस रास्ते से जाते वक्त बीच में रास्ता बंद होने के कारण हम लोग शॉर्टकट से गए। ये शॉर्टकट तो ठीक था पर धूल और मिट्टी से भरा हुआ शॉर्टकट था ये, क्योंकि रास्ते का काम चालू था। तो ये ऑप्शन रोड था एक, इसकी वजह से अभी हम मेन रोड पे आ चुके हैं। खूबसूरत और अलीबाग का कोकन का फील आते हुए शुरू होने लगा है। यहाँ पे आते ही आपको लगेगा कि कोकन के खूबसूरत माहौल में हम इंटर कर चुके हैं, मानो जैसे किसी सुकून भरे जगह पे आ रहे हैं। और यही अभी हम शीतला देवी मंदिर में पहुंच चुके हैं। शीतला देवी मंदिर एक खूबसूरत मंदिर है, एक कोकण के गांव के बीच में बसा हुआ ये मंदिर। चौल अलीबाग रेवदंडा के नज़दीक ही मंदिर आता है और बहुत ही अच्छा मंदिर है ये। आप अलीबाग से 17 किलोमीटर दूर, पेड़ से 50 किलोमीटर दूर, मुंबई से 350 किलोमीटर दूर ये मंदिर है। आप जब भी मुंबई से कभी कोकण किनारे पे आ जाए, अलीबाग की ओर घूमने के लिए आ जाए, तो यहाँ पे मंदिर में ज़रूर दर्शन लेने के लिए आ जाना। बहुत ही अच्छा मंदिर है और वो सारे भाविक यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ से आते हैं और उनकी हर मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। बहुत ही पुराना मंदिर है यह। हमारी आई यहाँ पे अभी नीचे दर्शन लेने पैर धोने के लिए गई थी पर उसको बीच में रोका गया, मत जाओ। ये यहाँ का कुआ है जो भाविक श्रद्धा से यहाँ का पानी अपने तीर्थ रूप से इस्तेमाल भी करते हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध है कि यहाँ पे जायवल करने के लिए लोग आते हैं, बच्चों के बाल काटने के लिए। मैं भी यहाँ पे बचपन में आ चुका था, बहुत साल हो गए यहाँ पे आते वक्त। अभी मुझे कम से कम 15 साल तो लगे यहाँ पे फिर से पहुँचने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा फिर से आते वक्त यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नवरात्रि में भी भीड़ होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाविक रहते हैं। अभी फ़िलहाल आज हम मंगलवार है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, पर शनिवार रविवार में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये मंदिर बहुत ही अच्छा है, कोकण के बीचों बीच है और रेवदंडा के नज़दीक है। रेवदंडा जो फेमस सी बीच है वहाँ के नज़दीक ये मंदिर है।
तो आप जब भी आएंगे ना तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील होगा और सबसे अच्छा माहौल यहाँ पे बन चुका है। इस मंदिर की एक कहानी भी है कि ये मंदिर एक पुरातन मंदिर है और इस मंदिर में फिलहाल यहाँ पे ये कुआं है और ये कुआं आप देख सकते हैं कितना गहरा है, पूरा भरता है बारिश के समय में। आप फिलहाल अभी ये विंटर समर का सीज़न चालू हो चुका है इसलिए ये इसका पानी सूख चुका है, तो अभी हम नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही गहरा कुआं है ये और फिलहाल अभी इसका पानी तो इतना ही है फिलहाल समर के दिनों में। तो ये मछली आप देख सकते हैं, ये कटला है और बहुत सारे कटले यहाँ पे मछली है। यहाँ पे नीचे कछुआ भी है तो आप देख सकते कितनी बड़ी बड़ी मच्छी यहाँ पे रहती है और नीचे और भी बड़ी बड़ी है। तो इस मंदिर की एक कहानी है कि रानी चंपावती यहाँ राज करती थी। नज़दीकी समुंदर अपने लहरों से यहाँ के ज़मीन को पानी से निगल लेता था, तो ये परशुराम रचित भूमि थी और समुंदर पीछे तो चला गया था पर आने वाले समय में वो आगे आगे बढ़ने लगा था। तो रानी चंपावती ने यहाँ के नज़दीकी शीतला देवी से प्रार्थना की कि तुम हमारी रक्षा करो, और उसी वक्त उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए शीतला देवी ने एक अपना हथियार समुंदर की ओर फेंका और वहाँ पे एक बंधारा बनाया, जो बंधारा आज भी इस गांव की रक्षा करता है। समुंदर आगे बढ़ नहीं पाता है, समुंदर का पानी आगे बढ़ नहीं पाता है। तो इस तरह से शीतला देवी ने इस गांव की रक्षा करके यहाँ पे अपना अस्तित्व बनाया था और आज भी लोगों की मनोकामना पूरी करती है। का प्रयास भी किया तो इसकी वजह से बहुत ही प्रसिद्ध ये मंदिर बन चुका है यहाँ पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कितने भाविक श्रद्धा से यहाँ आते हैं। यह हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वड़ा पाव की खोज में किधर जा रहे हैं पता नहीं। और अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे तीन देवियाँ भी बाहर हैं, शीतला देवी के मंदिर के बाहर यहाँ पे तीन देवियाँ हैं। और ये मंदिर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, 1990 में फिर से इसका जीर्णोद्धार किया और ये मंदिर आज बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है फिर से। और सच में ये मंदिर खूबसूरत है। इसके जब हम इसके अंदर जब भी हम प्रवेश करते हैं तो एक अलग ही फील आता है, आप जब भी आएंगे तो महसूस करेंगे। यहाँ के पंचक्रोशी में, यहाँ के आजू बाजू के गाँवों में ये मंदिर मनोकामना पूरी करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और अभी हम फिलहाल ड्राइवल करने के लिए, बच्चों के बाल काटने के लिए वो जो नाभी है उसको ढूंढ रहे हैं, वो फिलहाल अभी आने ही वाला है थोड़ी देर में, तो आते ही हमारे ईश्वरी का वो ड्राइवल करेंगे। तो ये शीतला देवी मंदिर का हम फिलहाल दिखाते हैं किस तरह से इसका आजू बाजू का एरिया है और बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा लोग भी यहाँ पे दुकान में अपना ये सब बेचते रहते हैं, ओटी का सामान। इस मंदिर में आते ही आपको लगेगा कि किसी एक पवित्र स्थान पे आप आ चुके हैं। यहाँ पे सारे भाविक अपने दुख दर्द बताने के लिए आते हैं और ये देवी उनकी मनोकामनाएँ पूरी करती हैं। काफ़ी लोगों को इसका प्रभाव भी पड़ा है इस बात का कि सच में देवी मनोकामनाएं पूरी करती है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आज भी आते हैं, मनोकामना पूरी होने के बाद भी आते हैं और मनोकामना पूरी करने के लिए भी आते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर बाद फिर से दर्शन के लिए जाएंगे। अभी हम फिलहाल नाभि का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारे सब्सक्राइबर है ये लड़की और अभी हमें सब्सक्राइब ना सब्सक्राइब किया है। पानी पीने हैं आपको? पानी नहीं पीना है, सब्सक्राइब किया है हमने। हमारे आप सब्सक्राइब किया होगा तो बॉटल भी कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। और 100 रुपये का नाश्ता लेके जाओ। हांजा मनु हांजा, वो उसने हमें सब्सक्राइब किया है, इसकी वजह से हमने उसको 100 रुपये का नाश्ता भी दे दिया है अभी। और नाश्ता करने के बाद वो दौड़ के यहाँ से चले जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। कुटा इतना सर, तो यहाँ मेरी आई है और यही कुछ गाइडेंस दे रही है हमें।
गाइस कितने बड़े बड़े मासे गल टाक में तो कसला बैठा इनको गल डाल के पकड़ना पड़ेगा अभी यहाँ पे तो बादली दिखते खाली कॉल में बहुत ही गहराई से भरी हुई है गहराई है ये बहुत ही गहरी है आई देख सकते हैं हमारी आई यहाँ पे अभी सब ढूंढेगी क्या हाँ बराबर खर्च नको एवढी माणसं आहेत आपली नको हे नको संदेशला पिल्लांची लय आवड आहे फिलहाल अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं उस भाभी का और जहाँ पे दर्शन करने के लिए कितने भाभी के मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा बड़े पर हमें हमारे आयो ने ये दर्शन कर चुके हैं आयो और अभी हम देख सकते हैं आयो ने पहला नंबर लगा के दर्शन कर आयो का फोटो लेते ठीक है आयो ने और अभी हम देख सकते हैं यहाँ के कितने भाभी के मैं आपको क्षेत्र दिल का दर्शन बाद में कराऊँगा ही फिलहाल यहाँ पे नॉर्मल से झलक देख सकते हैं अभी हम दर्शन तो नहीं करने आए इसके बाद को दिखाने के लिए हमें यहाँ पर ये खाता है मंदिर का हमारे आयो यहाँ पे बाहर आके दर्शन कर रही है तीन देवी होता है जो गुलमा देवी है और यहाँ पे अभी यहाँ हमारी आई बता रही है कि ना भी आ चुका है और अभी हम लोग साइड इनको बताएंगे कि हाँ वो लोग आ चुके हैं तो चलो बाहर चल के प्रोसेस करते हैं जो हो तो अभी हम इशू देख सकते हैं ये इशू रेडी हो चुकी है तो आने वाले समय में अभी इसके ये सब बाल काटने वाले हम ये नावी मामा और अभी वो सेटअप कर रहे हैं सब उनका फोटो के फोटो काट देंगे वीडियो के फोटो क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया अभी यहाँ पे प्रोसेस तो चल रही है जो भी प्रोसेस है हम लोग अभी यहाँ पर पूरी करके उनसे चंदन ना ट्राइवल करने के लिए बोलेंगे तो ट्राइवल होने के बाद हम दर्शन करने के लिए जाएंगे अंदर तो यहाँ पे आयो हमारे कुछ गाइडेंस दे रही है कुछ बातें बता रही है इस प्रोसेस में तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है फिलहाल हम शॉर्टकट में आपको बताएंगे किस तरह से हमने ये प्रोसेस की थी मामी सोबत गेले हमारे मेंबर आ चुके हैं खाना ढूंढ के ना पानी तापलं आहे
यहाँ पे अभी हम यहाँ पे नहाने के लिए पानी ढूंढने के लिए आए हैं और यह गर्म पानी का इंतज़ाम हमने कर चुके हैं। पर यहाँ से आप देख सकते हैं मंदिर का बैक साइड का ये व्यू है। आप कितना खूबसूरत मंदिर कलर किया है आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ का माहौल। फिलहाल अभी ये प्रोसेस तो कंप्लीट होने ही वाली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भाविक लोग आ चुके हैं यहाँ पे और बहुत ही श्रद्धा से यहाँ पर लोग आते हैं। किन लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है वो लोग यहाँ पे अपना चढ़ावा चढ़ने के लिए आते हैं। ये तीन देवियाँ हैं, गुलमा देवी, कोकलू देवी और खरजू देवी, और ये तीनों देवियाँ यहाँ पे भाविकों की मनोकामनाएं पूरी करती है, उनके दुख दर्द को मिटा देती है। तो यहाँ का माहौल देख सकते हैं, जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे प्रार्थना करना, आपके दुख दर्द यहाँ पे बता देना, आपकी हर पीड़ा, आपकी हर मनोकामना यहाँ पे पूरी होगी, आपकी पीड़ा ख़त्म होगी। वो आप जो भी आपके प्रॉब्लम है, जो भी आपकी मनोकामना, जो भी आपका दुख दर्द है वहाँ पे बता देना, वो दुख दर्द ख़त्म होगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो ज़रूर आपको विज़िट कर देना, बहुत ही अच्छा माहौल है और लोग हमेशा पुराने का समय से यहाँ पे आते रहते आए हैं। ज़्यादातर लोग मनोकामना पूरी होने के बाद ही आते हैं यहाँ पे, तो याद रखना कि ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है मनोकामना पूरी करने के लिए। तो ये तीन देवियाँ भी पीड़ित लोगों को, जो भी दर्द दुख से पीड़ित है, उनकी मनोकामना पूरी करती है। तो फिलहाल अभी हम दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं और दर्शन करने के लिए आप ये शीतला देवी का खूबसूरत और मंगलमय दृश्य सीन देख सकते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस भी पूरी यहाँ पे हो चुकी है और फिलहाल अभी हम दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। तो चलिए मैं आपको शीतला देवी का दर्शन देता हूँ। वहाँ पे आई ने तो नावी से पुरानी बातें करके सारी पहचान कर ली है और वो रिश्तेदार निकल चुके हैं किसी के। तो अभी हम दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं, बहुत अभी भीड़ कम हो चुकी है और दोपहर का टाइम है ये 1-2 बजे का, तो भीड़ यहाँ पे 1-2 बजे बहुत कम होती है, शाम के वक्त और सुबह के वक्त ज़्यादा भीड़ रहती है। ये शीतला देवी का खूबसूरत और मंगलमय दृश्य आप देख सकते हैं। ईश्वरी का लुक देख सकते हैं, नया लुक, न्यू लुक। यहाँ पे वो कली लगाते हैं, आप देख सकते हैं वो जो चिपका रहे हैं ना, उससे समझते हैं उनको कि मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी, और इस तरह से वो हमें बताते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी। तो अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लगा हमें ये दर्शन करके। तो आप भी ज़रूर आना, शीतला देवी अलीबाग चौल में है, रेवदंडा के नज़दीक, अलीबाग से 17 किलोमीटर, मुंबई से 150 किलोमीटर और पेन से 50 किलोमीटर दूर है ये शीतला देवी मंदिर अलीबाग चौल में। चौल याद, नाम याद रखना। और फिलहाल अभी हम लोग परंपरा के अनुसार यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता करके हम थोड़ी देर बाद निकलेंगे। तो हम जब भी आते थे पुराने समय में तो यहीं पे नाश्ता करते थे, तो यही परंपरा हमने आगे भी बढ़ाई है। तो
तो अभी हम निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं सब लोग अभी यहाँ पे। तो अभी हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स भी है यहाँ पे। गाइस अभी हम जाने के लिए तो यहाँ से निकले हैं, पर एक यादों का पिटारा हमारे साथ है। आज हम हमारे फैमिली के साथ यहाँ पे आए थे, बहुत सालों बाद आए थे, पर फिलहाल अभी हम यहाँ पे नई यादें हमारे साथ लेके जा रहे हैं, नई यादें यहाँ पे पीछे छोड़ के जा रहे हैं। शायद ही हम इस फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ फिर से कभी आएंगे, पर यहाँ के फैमिली मेम्बर्स जो भी हमारे साथ थे, शायद ही हम कभी इनके साथ एक साथ फिर से यहाँ पे आ सकेंगे। पर यहाँ पे विसर्जित कर रहे हैं, इसके नज़दीक ब्रिज है ये नागांव के ओर जाने के लिए, वहाँ पे अभी हम विसर्जित करेंगे। पर बहुत सारी यादें हम जोड़ चुके हैं और अभी हम पोइनाड में आ चुके हैं। मामी की तरफ से गुलाब रोज़ यहाँ पे हमने पिया और ये फेमस दुकान है यहाँ का। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और आने वाले समय में ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहना।